हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक के बाद एक रेलवे के जितनी भी भर्तियां रिमेनिंग है उन सभी के रिगार्डिंग कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया गया। सबसे पहले बात करेंगे तो आपका RPF SI कॉन्स्टेबल के बारे में आप लोगों ने नोटिस देखा था। उसके बाद बात करेंगे तो ALP का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग आपको एक से दो दिन पहले नोटिफिकेशन आया, तो ITI और CCA वाले कैंडिडेट का लगातार यहां पे क्वेरी आ रहा था कि क्या सर ग्रुप डी का भर्ती आएगा या नहीं आएगा, कि सिर्फ ALP का ही आएगा, RPF का ही आएगा, NTPC का ही आएगा, हमारे लिए भर्ती रेलवे निकालेगी कि नहीं निकालेगी। तो फाइनली आप लोगों के लिए भी यहां पे रेलवे गुड न्यूज, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पे जारी कर दिया गया है। जी हां, और हम हर बार आपको बोलते हैं कि जनवरी से फरवरी के बीच आपको यहां पे रेलवे का नोटिफिकेशन 110% पूरा उम्मीद है कि आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जितने भी ITI पास कैंडिडेट हैं, जिन्होंने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड कर लेना है आप लोगों को कि जैसे ही भर्ती आए आप लोग एग्जाम में कम से कम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, जो नंबर है, वो आप यहाँ पे गेन कर सको। ठीक है ना। बाकी पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि भर्ती प्रक्रिया की आखिर कैसे करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पे शुरुआत किया गया है, और ITI और CCA कैंडिडेट इस बार आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा, क्योंकि इस बार ITI का जो कट ऑफ रहेगा वो बहुत ही कम जाने वाला है, और जैसे नेक्स्ट ग्रुप डी का जब भर्ती आएगा, वो पता नहीं कब आएगा, पर हमको इस भर्ती से अभी मतलब है, जब अगली भर्ती आएगा ना तो उसमें बहुत हाई लेवल का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट कोशिश करिए, प्रयास करिए, अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए, ताकि भर्ती इस बार मौका आपका चूकना नहीं चाहिए, एक सीट आपको पक्का कर लेना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हालांकि आप अगर देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सभी भर्ती को कवर करने का प्रयास कर रहा है इलेक्शन से पहले। ये सबसे पहला नोटिफिकेशन है जो रिलीज किया गया था, वो आपका RPF का जो यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया में जो संगठन होता है उसका बदलाव को लेकर RPF का जो नोटिस आया था ये था। उसके बाद अगला नोटिस देखिए, ये आपका 11 तारीख का डेट में यहाँ पे रिलीज किया गया था, रेलवे ALP के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया था, जिसमें जितने भी रेलवे के जोनल मैनेजर है और प्रोडक्शन यूनिट है, सभी के जनरल मैनेजर को ये जो नोटिफिकेशन है प्रोवाइड किया गया था रिगार्डिंग आपका मिनिमम प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। ये सिर्फ आपका ALP के लिए था, जिसमें क्या किया गया था कि कुछ नए ट्रेड को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, एक साल वाला ITI को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। डिटेल वीडियो आपको चैनल पर है, देख लीजिएगा। और अभी हम बात करते हैं कि ग्रुप डी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको किन किन बातों को बोला गया है, कितनी भर्ती आ सकती है, कब तक आ सकती है, और इसके रिगार्डिंग और क्या बताया गया है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए आप। तो देखिए फाइनली हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, और ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपका 13 दिसंबर 2023 के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भारत सरकार की तरफ से रिलीज किया गया है। RB नंबर देखिएगा तो 138/2023 है। ये जो आपका नोटिफिकेशन है बताया गया है कि द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट एज पर स्टैंडर्ड लिस्ट। इसमें आपको क्या बताया गया, इस पर्टिकुलर नोटिस से बहुत बड़ा खुलासा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि रेलवे का ग्रुप डी का जो भर्ती आएगा इसका भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता हुआ यहां पे दिख रहा है। चलिए आगे आपको क्या बताया गया वो देखिए। सब्जेक्ट में अगर बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट डिपो स्टोर और हाउसकीपिंग असिस्टेंट इनटू अदर डिपार्टमेंट। तो ये जो आपका सब्जेक्ट में बताया गया है कि जितने भी आपका ट्रैक मेंटेनर वाले हैं, असिस्टेंट डिपो स्टोर वाले हैं, या फिर हाउसकीपिंग वाले जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, उनको अदर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है उसमें देखिए, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत इसमें क्या जानकारी दी गई है उसके बारे में भी पूरा डिटेल से कवर करेंगे। तो इसमें आपको बताया जा रहा इन टर्म्स ऑफ पैरा 179 ऑफ IREM वॉल्यूम 10% ऑफ वैकेंसी इन वर्कशॉप एंड इन SNT इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रैफिक एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट एंड वर्क साइड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन डिवीजन बाय ट्रांसफर फ्रॉम दी अमॉन्ग रेगुलर ट्रैक मेंटेनर असिस्टेंट डिपो स्टोर ऑफ द स्टोर डिपार्टमेंट एंड हाउसकीपिंग असिस्टेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट विद ए मिनिमम ऑफ 8 ईयर सर्विस। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा,
कि ये जो नोटिस जारी किया गया है, आपका जितने भी रेलवे के कर्मचारी जो आपका ट्रैक मेंटेनर पद पे हैं या फिर आपका स्टोर पद पे हैं और हाउसकीपिंग पद पे हैं, इन सभी का आप सभी को पता है कि जल्दी इनके रिगार्डिंग प्रमोशनल यहाँ पे नहीं होता है। ये अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट पे, अर्थात जब GDC का भी भर्ती आता है, ये लोग को मौका उनमें नहीं दिया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेल का एक नोटिस आया है, तो इनमें ये बोल रहा है कि जितने भी ऐसे इंप्लॉई हैं जो ट्रैक मेंटेनर से बिलोंग करते हैं, स्टोर या फिर हाउसकीपिंग से बिलोंग करते हैं, उनका जो जितना भी ग्रुप डी के अंतर्गत टोटल भर्ती आएगा उसका 10% जो वैकेंसी है वो इन लोगों के लिए रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। और ऐसे इंप्लॉय जिनका सर्विस का 8 साल हो गया है, कम से कम 8 साल जिसका हो गया है, अगर वो अपना डिपार्टमेंट को स्विच करना चाहते हैं तो वो डिपार्टमेंट को स्विच कर सकते हैं। अदर डिपार्टमेंट कौन कौन इनको अलाउट किया जा सकता है, तो देखिए वर्कशॉप में या फिर आपका SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम के जितने भी वैकेंसी होते हैं उनमें 10%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रैफिक एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का जो पोस्ट होता है उनमें इनको 10% वैकेंसी का आरक्षण देते हुए इनका सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जितने भी पोस्ट होंगे उनमें 10% इनका सीधा ट्रांसफर किया जाएगा, इनका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, अर्थात GM पावर के तहत इनका जो ट्रांसफर है वो डायरेक्ट यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे आपको क्या बताया जा रहा है इसमें, टू रेगुलर इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी इन टू अदर डिपार्टमेंट इन द फॉलोइंग गाइडलाइंस आर लेड डाउन द फॉलोइंग पर्पस ऑफ द लेटरल इनटेक। उसके बाद आपको यहां पे बताया जा रहा है नई भर्ती का भी देखेंगे, बहुत बड़ा इसमें नोटिस में बहुत बातें को बताया गया, वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए आगे बताया जा रहा कि लेटरल इनटेक टू बी वर्कआउट एट द टाइम ऑफ इंटेंट प्लेस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि प्लेस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अर्थात डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत जिसका हम सभी और आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसका रेशियो आपका 100 में 60% होता है, तो जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का वैकेंसी यहां पे रिलीज किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, तो 10% जो सीटें हैं वो सभी पहले इन इंप्लॉय के लिए यहां पे रिजर्व कर दिया जाएगा, ठीक है। अब 10% जब सीटें इन लोगों के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा तो हमारे पास कितनी भर्ती आएगी, जो सिंपल सी बात है कि 10% 100 में से घटा देंगे तो 90% सीटों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा का यहां पे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10% तो ये लोगों को दे देंगे, ट्रैक मेंटेनर, हाउसकीपिंग और स्टोर वाले एम्प्लॉय को 10% प्रमोशनल के तहत दे देंगे, तो 90% का जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत यहां पे जारी किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एड अकॉर्डिंगली इंटेंट टू बी सुटेबल फॉर TM ट्रैक मेंटेनर इनटेक एंड द लेटरल इनटेक टू बी इफेक्टेड ऑन रिसीप्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट Level 1 पैनल। देखिए बहुत बड़ा बात यहाँ पे बताया जा रहा कि जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का हम भर्ती देंगे तो उसमें आपको 10% जो सीट रहेगा वो यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर इंप्लॉय वगैरह के लिए यहाँ पे रिजर्व रहेगा, ठीक है। और जब पैनल बनेगा तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैनल डिसाइड होगा और 100% वैकेंसी में से 10% को पहले ही हटा देंगे तो 90% वैकेंसी हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में ट्रांसफर करेंगे। अब आपको एक बात का यहाँ पे डाउट होगा कि ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का बात चल रहा है, जो 90% सीटें देंगे, आखिर इसका आकलन कैसे करता है डिपार्टमेंट, तो देखिए हम बताते हैं। रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का यहाँ पे आता है मेमोरेंडम सभी जितने भी रेलवे के डिवीजन है उनके जनरल मैनेजर को, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ है। जनरल मैनेजर को इंस्ट्रक्शन आ गया कि आपके डिवीजन में, आपके जोन में जितने भी Level 1 अर्थात ग्रुप डी का पोस्ट का वैकेंसी है वो हमें उसका आंकड़ा प्रोवाइड करिए, ठीक है। अब जब यहाँ पे आंकड़ा प्रोवाइड होगा तो क्या होगा, जितने भी जनरल मैनेजर हैं वो सभी भेजेंगे अपने डिवीजन को, ठीक है, डिवीजन को भेजेंगे कि हाँ जी जितना भी आपके पास Level 1 का भर्ती का सीट है वो सभी हमें डेटा दीजिए। अब डिवीजन, बहुत सारे डिवीजन आएंगे डिफरेंट डिफरेंट जोन में, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ईस्टर्न रेलवे में अगर बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे कितने 7 यूनिट है टोटल, जमालपुर, आसनसोल, मालदा, कंचनापारा, सियालदा, हावड़ा और लिलुआ, 7 यूनिट है। अब 7 यूनिट में से पहला लेटर जमालपुर के पास जाएगा तो जमालपुर में क्या होगा कि जमालपुर के अधिकारी सर्वे करेंगे कि हमारे पास कितने ग्रुप डी के भर्ती का जो वैकेंसी है वो खाली है, तो यहां से पता चला कि हाँ जी हमारे पास जमालपुर में 500 भर्ती है, 500 सीटें हैं जो खाली है। उसी तरह आसनसोल का आएगा, मालदा का आएगा, कंचनापारा का आएगा, तो इसी तरह करके रेलवे में जितने भी जोन है सभी जगह का वैकेंसी को इकट्ठा किया जाता है और वैकेंसी को इकट्ठा करने के बाद जनरल मैनेजर के पास भेजा जाता है उस जोन का, और जो सभी रेलवे के जितने भी जोनल मैनेजर है वैकेंसी का इकट्ठा डेटा करके वो सभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजते हैं, उसके बाद यहां पे डेटा
इकट्ठा होने के बाद आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। अब इससे क्या होगा कि जितना भी वैकेंसी आएगा, जैसे मान लीजिए जमालपुर में टोटल 500 सीट है, अब 500 सीट में से 10% सीट ये पहले ही हटा देंगे, ठीक है, 10% सीट पहले हटा देंगे, तो यहाँ पे टोटल बच जाएगा 450 सीट। तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो जाएगा ये 450 सीट आपका निकाला जाएगा और 50 सीट जो है वो बचा कर रख दिया जाएगा ये ट्रैक मेंटेनर और ये जो हाउस कीपिंग है स्टोर वाले इंप्लॉय के लिए, ठीक है। तो ये पूरा फंडा है आपको इस तरह करके देखने को मिलेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट आपका ये होगा कि आप जब यहाँ पे सोचिए कि ट्रैक मेंटेनर असिस्टेंट डिपो, अब जब ये लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा सिग्नल एंड टेलीकॉम में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, मैकेनिकल में, ट्रैफिक एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में, तो क्या होगा कि इनका सीट हो जाएगा खाली, अर्थात ये लेवल 1 से ट्रांसफर होकर लेवल 2 में चले जाएंगे, लेवल 3 में चले जाएंगे। या फिर जो ट्रैक मेंटेनर है वो अपना अगर पोस्ट को लेवल 1 में ही रखना चाहते हैं, ठीक है, तो किसी और में जैसे गेटमैन में चले जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह करके अपना पोस्ट को यहां पे चेंज कर देंगे। तो जब ये पोस्ट को अपना चेंज करेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि वो सीट हो जाएगा वैकेंट, और जब वो सीट हो जाएगा खाली तो यहाँ पे धीरे धीरे करके पदों का संख्या जो है बढ़ते रहेगा और उसके बाद यहाँ पे रेलवे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए ग्रीन सिग्नल है रेलवे की तरफ से कि इसमें ग्रुप डी का भी जो वर्क है वो लगातार यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है ना। आप चलिए आगे देखिए आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा, बहुत सारी जानकारी दी, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देंगे तो वहां से जाकर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा कि 10% लेटरल इनटेक इन द वर्कशॉप शैल बी अंडर टेकन विथ द पीरियड ऑफ पर्सनल अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जितने भी 10% का जो वैकेंसी रहेगा वो सीधे इनका जीएम पावर के तहत इनको यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूट कर दिया जाएगा। अब ये मैं समझिएगा कि हम सीसीए कैंडिडेट जीएम पावर का बात करें, नहीं, जीएम पावर का जो यहाँ पे रूल रेगुलेशन के तहत जो 10% सीटें रहेगा वो रेलवे में जो कर्मचारी है उनको यहाँ पे प्रमोशनल में डायरेक्ट, इनका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपको रिक्रूटमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है कि पैरा 179 सेल नॉट बी एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन यूनिट एंड दे मे डिवाइस देयर ऑन लेटरल इनटेक पॉलिसी ऑन दे ऑन देयर ऑन स्टाफ इन दिस रिगार्ड्स जनरल मैनेजर ऑफ PSU सेल हैव फुल पावर टू डिसाइड। देखिए जनरल मैनेजर को यहाँ पे फुल पावर दिया गया है कि वो सभी ये इस तरह का जो भर्ती का है वो खुद डिसीजन ले सकता है, ठीक है। पर काश अगर ये सीसीए के लिए भी लागू हो जाता तो अति उत्तम हो जाता और जितने भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको एक नया फ्यूचर का यहाँ पे रास्ता दिख जाता, पर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम अपने मांगों को लेकर हमेशा प्रयास करते रहेंगे, हमेशा लड़ाई है जो जारी रहेगी जब तक रेलवे हमारे लिए कोई ठोस नियम कायदा कानून जीएम पावर के तरफ नहीं ले आ देता, ठीक है। बाकी जो भी रिपोर्ट मिलेगा आपको पल पल का पे दिया जाएगा और उम्मीद है कि आपका जनवरी और फरवरी, ध्यान से सुन लीजिए, ITI और CCA कैंडिडेट, आपके पास इस बार अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस बार से सिर्फ ITI को कंपलसरी कर दिया गया है और विदाउट ITI वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी ITI पास या फिर CCA कैंडिडेट है जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए। अगर ये भर्ती आपके हाथ से निकल गया तो फिर पता नहीं अब सरकार ग्रुप डी का भर्ती कब रिलीज करेगी, ये किसी को भी पता नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।